इंटेड है और ये मैं एक बुक ले आया हूँ हिंदी, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये न्यू स्मार्टस्टार एकेडमिया का है, मैंने टच कर दिया। हीरो हाउस प्रेजेंट का खागा। दोस्तों देखिए कितने तरह, कितने अच्छे तरीके से यहाँ बताया गया है, जैसे हमने अनार को टच किया यहाँ पर से, से अनार, अनार खाने से शरीर में खून बनता है। कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों को, अनार खाने से शरीर में खून बनता है। इसके अलावा से औरत, औरत एक जननी है, इसका सम्मान करना चाहिए। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कितने सारे गेम्स दिए गए हैं, मैं गेम दिखाता हूँ यहाँ पर। Let's get back. और ढूंढे हम अ से अनार, फिर तोड़ेंगे बड़े आ से आम, चलो चख लें फिर ई से इमली, फिर देखें बड़ी ई से ई, हमने ऊ से उल्लू देखा। बच्चों आओ एक खेल खेलें। बहुत बढ़िया। आ से, अब बच्चे को आपने बोला आ से क्या होगा, यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं, बच्चे ने अभी भी पढ़ाई किया है तो वो आ से ढूंढेगा, उसने ढूंढा आ से अनार, जैसे ही यहाँ टच करते हैं बहुत अच्छे, उसको बोला बहुत अच्छे। मान लीजिए हमने बड़ी ई से, बड़ी ई से पूछा ई से, तो बच्चे ने बोला ई से इमली, गलती से बोल दिया बड़ी ई से इमली, टच करते हैं दोबारा सोचो गलत हो गया, दोबारा सोचो बोला, तो बच्चे ने फिर पूछा आपसे कि गलत कैसे हुआ, आपने बताया कि छोटी का उच्चारण होता है ई और बड़ी ई का उच्चारण होता है ई। इस तरह से कई किताबें, और अब मैं एक और बुक की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, इस बुक का नाम है इनसाइक्लोपीडिया। ये किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी उम्र के बच्चे के लिए एक बहुत ही खास बुक है, मैं इसको डेमो देके दिखाना चाहता हूँ। यू हैव प्रेजेंट इनसाइक्लोपीडिया। जैसे अभी मैं एक चैप्टर की ओर ले जा रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है द ईयर, द ईयर। अब इस ईयर का पूरा डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर में, द ईयर का। अब इसके बारे में जानते हैं जानकर। The ear is one of the outer sense organ of the human body. It carries the sense of hearing. That is, it makes possible for a person to hear. अब इसी को दोबारा हम टच करेंगे तो हिंदी बताएं। कान मानव शरीर के बाहरी इंद्रिय अंगों में से एक है। यह सुनने की क्षमता का आकर्षण है। इतना ही नहीं, कानों का एक और कार्य भी है कि वे शरीर को अपनी सीधी स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जाहिर है वे हम में से हर एक को सीधा खड़ा होने में मदद करते हैं। इस तरह से यहाँ पर बॉडी पार्ट से लेकर, अब मैं आप लोग को ले जा रहा हूँ एक और इंफॉर्मेशन की ओर, जो कि स्पेस, जो कि है आउटर स्पेस, ये बोल के बताएगा। आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में हम देखते हैं क्या दिया हुआ। आउटर स्पेस इज अनदर वे टू से द यूनिवर्स। इट इज द फिजिकल यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। आउटर स्पेस बिगिंस अबाउट 100 किलोमीटर। बाहरी स्थान ब्रह्मांड कहने का एक और तरीका है। यह पृथ्वी के वायुमंडल से परे भौतिक ब्रह्मांड है। अब इस सन के बारे में जानते हैं। सन, a ball of hot hydrogen and helium gas. इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कि इसमें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, इनफैक्ट आप भी ले सकते हैं। इसमें कई बोर्डम कार्ड्स हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। इसमें कई, इसमें गेम्स है, इसमें मैचिंग गेम है, बच्चों को यहाँ बहुत ही इंटरेक्टिवली आप गेम खिला सकते हैं, मैं टच करके बताता हूँ। यूरो हाउस ब्रिलियंट रेन कार्ड्स। इन कार्ड्स को जब ओपन करते हैं तो मैचिंग रहेगा, एक लंबा वाला कार्ड है, ये आप देख सकते हैं, एक ये लंबा वाला कार्ड है, इस लंबे वाले कार्ड में कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, कुछ डायग्राम बने हुए हैं, उसको देखते हुए बच्चों को
इस पिक्चर में से उसको मैच करना पड़ता है, और जब मैच करते हैं तो बच्चों को बोलता है वेरी गुड, वेल डन। तो बहुत सारी चीजें इसमें है जो कि कोई लेगा तो ही महसूस कर पाएगा, क्योंकि ये मेरे पास है तो मैं महसूस कर पा रहा हूं, अगर ये आपके पास होगा तो आप भी महसूस कर पाएंगे। तो मागुर जी मुझे लगता है कि डेमो और थोड़ा दे दो मागुर जी, हो जाएगा। हाँ बताओ बताओ। तो एक और बुक की ओर मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा आपका, राइम्स। दोस्तों छोटे बच्चों को अगर हमने प्रोनंसिएशन सही कर दिया तो छोटे बच्चे बहुत ही तेजी से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, यह कई पोएम दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने पहला पोएम की ओर इसको दिया, इंग्लिश वाली बुक का भी डेमो दो, इंग्लिश वाली बुक का, इंग्लिश वाला, इंग्लिश लर्निंग वाले का, एबीसीडी वाला। मांगुस इसमें इंग्लिश लिखा ना, हाई लेवल का ही बुक दिया हुआ है, एबीसीडी तो नहीं दिया उसमें, तो उसमें वाली इंग्लिश है। हाँ, अपर लेवल का दिया हुआ है, लर्निंग वन लर्निंग टू दिया हुआ है। नहीं वो तो वो वाला जैसे अनार, अनार वाला, अनार से फायदा होता है, ऐसे करके दे रखा है ना सारा, ऐसे ऐसे एप्पल एप्पल हेल्थ के लिए बढ़िया है, ऐसे करके है। या सेब वाला है इसका दे रखा है इसका। चलो ऐसे तो मागो जी बहुत सारी इसमें किताबें हैं, और मैं एक और दिखा देता हूँ, फॉरेन लैंग्वेज का भी है ना, फ्रेंच का, फ्रेंच मागो जी। हाँ फ्रेंच लैंग्वेज है मागो जी, तो okay. फ्रेंच लैंग्वेज तो थोड़ा मागो जी अभी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मुझे ही थोड़ा सा अभी फ्रेंच लैंग्वेज और सीखना है मागो जी, और अच्छा करना है मेरे को। अच्छा ठीक है जी मागो जी। ओके ठीक है, तो आपका डेमो ऑलमोस्ट कंप्लीट है अभी। जी मागो जी मेरा कंप्लीट है मागो जी। इसमें कैसे बच्चे कहाँ से शुरुआत करके और कहाँ से कर सकते हैं इसको, टॉकिंग टेड को चला सकते हैं, फिर हिंदी सीख सकते हैं। जी मागो जी, टॉकिंग टेड है इसमें मागो जी, टॉकिंग टेड को, उसके अलावा इसमें जो बैग दिया गया है, बैग इस तरह से आता है, मैं दिखाना चाहता हूँ, वो बैग भी बहुत ही शानदार, एक बहुत ही शानदार देख सकते हैं, बच्चों के लिए इस तरह से बनाया गया, डिजाइन किया गया है, और ये हॉट एंड कोल्ड बैग है। इसके अंदर आप कोई टिफिन रखते हो, अगर वो खाना गरम था तो वो गरम ही रहेगा 3-4-5 घंटे बाद भी, और अगर ठंडा रखा तो ठंडा ही रहेगा। इसको एल्युमिनियम कोटेड आप देख सकते हैं इसमें है पूरा अंदर में, इससे बच्चों को खाना भी जब स्कूल भी ले जाएंगे अगर वो यूजफुल है। ओके। इसके अलावा इसको ऑन करने के बाद कोई भी बुक, जिस भी बुक को आप टच करते हैं, उस बुक में स्टार्ट बटन रहेगा, स्टार्ट स्टार्ट में टच करते ही इसका जो कैमरा है पूरा सेंस कर लेता है बुक को, और फिर हम जहां टच करते हैं वो उसको फिर उसको डिस्क्राइब करता है। कौन कौन सी बुक है दिखा दो ना, एक एक बुक। जी मांगो, एक तो एनसाइक्लोपीडिया है, हाँ एक तो एनसाइक्लोपीडिया हो गया, हिंदी का है। जी मांगो, इसके अलावा हिंदी का बुक है इसमें, इसके अलावा फन विथ राइम्स बुक है, इसके अलावा मागुर जी बुक है। ओके ठीक है। इसके अलावा मागुर जी बहुत ही पंचतंत्र की स्टोरीज, और इतनी शानदार शानदार स्टोरीज हैं कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने। इसको क्लिक करके दिखा ना, यूरो हाउस प्रेजेंट 31 पंचतंत्र स्टोरीज है इसमें। एक तो क्लिक पेज नंबर 1 and 2। इसकी सबसे खास बात है, एक तरफ में हिंदी में दिया हुआ है, दूसरी तरफ में इंग्लिश में दिया हुआ है। ओके। जैसे हमने यहाँ टच कर दिया, एक घमंडी खरगोश हुआ करता था जो प्रतिदिन एक कछुए को देखकर उसका उपहास उड़ाता था। एक दिन कछुए को तालाब से बाहर आता देख खरगोश
खरगोश धरती पर रहने वाला एक शाकाहारी जीव है जिसे खाने में सब इस स्टोरी में मांगो जहां भी जो भी चीज रहेगा ना उसके बारे में बताया। इंग्लिश पे क्लिक करो ना, इंग्लिश पे जी मांगो। द स्टोरी ऑफ द क्रो एंड द डियर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ डियर एंड अ क्रो हु वर गुड फ्रेंड्स। वन डे द क्रो सॉ हिज फ्रेंड with a chicken. अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में कहानियां सीख जाएंगे जी मां। ओके नेक्स्ट बुक बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट बुक दिया मां, वो स्टोरी टाइम दिया हुआ है इसमें। पांच सत्र के अलावा अलग से स्टोरीज दी गई है इसके अंदर में। हां हां जी मां। एक छोटा सा एक स्टोरी पे क्लिक कर दो। यू नो हाउस प्रेजेंट स्टोरी टाइम। लॉस्ट पेंगुइन। Once upon a time, on a beautiful island far away, there lived a named Tuffy. जी मांगो जी। किस चीज की कहानी है? The lost penguin, जो penguin lost हो जाती है, फिर वो कैसे मिलती है उसको? Next, next, next book कौन सी है? मांगो। अच्छा सारी उठा के नहीं रखे? जब डेमो डेमो ले जाते हैं मां जी, छोटा सा बैग ले जाते हैं, कोई बात नहीं है मेरे पास। डेमो तो इसमें सारी, कम से कम देखो किसको क्या अपील ज्यादा करेगा वो सामने वाले पे डिपेंड करता ना। जैसे आपको तो ये तीन बुक अपील करी है तो बाकी क्या है, फ्रेंच वाले पे क्लिक करके छोड़ दो, एक बार क्लिक करके फ्रेंच की एक लाइन सुनवा दो। फ्रेंच की मॉड्यूल 5 में टच कर दिया मां जी। इसका मतलब एट द पोर्क बचर शॉप, उसका पूरा स्टोरी मतलब कन्वर्सेशन दिया हुआ उस तरह से। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये सिक्स फ्रेंच का सिक्सवा बुक है, सिक्स नंबर बुक है। इसके अलावा मैथ फॉर किड्स दिया हुआ है इसके अंदर। इसमें क्या है, कैसे 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 सीख सकता बच्चा? जैसे यहाँ पर मांगो जी दिया हुआ है यूरो हाउस प्रेजेंट मैथ फॉर किड्स। किड्स प्रैक्टिस ड्राइंग स्टैंडिंग लाइन बाय ट्रेसिंग दीज गिवन डॉटेड लाइन विद अ क्रेयॉन और विद अ टॉस्पियो। यहाँ बहुत सारे मांगो जी एक्टिविटीज दिए हुए हैं, ज्यादातर मैथ के जितने एक्टिविटीज है ना। जैसे यहाँ लॉन्ग शॉट में एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। Can you see long and short objects here? Can you tell which is the long caterpillar and which is the short one? अभी long कौन सा है, short कौन सा है? Let's watch long caterpillar, short caterpillar. Long short का बच्चों को आइडिया दे रहा है। इसके अलावा इसमें एक्टिविटी दिया है मां गुरुजी, आगे में काउंटिंग का दिया हुआ है, कितना काउंट में है? दिखाओ काउंटिंग का, सुना? A set of games on this page. To play the games, touch the dice icon given on the left side. Find the teddy bear which is different. जी यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं बनाए हुए teddy bear. अब बच्चों को find out करना है। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, next करवाओ, next करो। हाँ बच्चों को क्या करना है? बच्चों को touch करना है। Find the teddy bear which is different. कौन सा different है उसको touch करके बताना है। Different है उसका IQ वगैरह बना रहा, different है। जी okay. जी मामू। Next next book कौन सी है? Next book है Learning English for Beginners. हाँ तो है तो ये Learning English की start। हाँ है मामू लेकिन। Learning English Volume 1. इसमें conversation है मामू जी, conversation जो पहले वाला हमारे master में था ना। हाँ 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 नमस्कार। नमस्कार वाला है जी मामू। Good morning, sir. I am Dr. Rashmi Sethi. Okay. तो कैसे बातचीत करनी है अंग्रेजी में वो सारा सीख सकता है इससे। जी मां जी, स्पोकन इंग्लिश में जो सिखाया जाता है एक्टिविटी वगैरह उसमें अलग अलग सिनारियों में किस तरह कन्वर्सेशन करना है वो इसमें बताया गया है।
टीचर को कैसे बात करना है, डॉक्टर को कैसे बात करना है, ऐसे सारा सिखाया है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट बुक ये स्टिकर बुक है मांगुर जी, ये स्टिकर बुक है, इसमें बहुत अच्छा सारा अच्छा काम करेगा तो उसको गुड मिलेगा, गुड मिलेगा। इसके अलावा एनिमल्स के स्टिकर दिए हुए हैं, आप इसको बच्चे खेल सकते हैं। यूरो हाउस प्रेजेंट स्टिकर बुक, हॉर्स हॉर्स, कैट टाइगर, इस तरह के हैं। इसके अलावा कोई अच्छा करता है तो उसका भी दिया हुआ है यहाँ पर। चल और ठीक है, बहुत बढ़िया। यस आई डू, इस तरह दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंच का और भी 6 किताबें हैं फ्रेंच की टोटल। लर्निंग इंग्लिश वो तो बिगनर था, ये सीनियर है, इसमें थोड़ा एडवांस दिया हुआ है इसमें कन्वर्सेशन। यूरो हाउस प्रेजेंट लर्निंग इंग्लिश वॉल्यूम 4। What time is it? It is 1 o'clock. Time पूछ रहा है तो कैसे पूछेगा, कैसे बताएगा, बहुत कुछ दिया हुआ उसको। उसके अलावा ये जूनियर का स्पोकन इंग्लिश का है। फ्रेंच के सारे लैंग्वेज हो गए मांगुर जी। स्मार्ट हैबिट्स का एक बुक दिया हुआ है इसमें मांगुर जी। हाँ बताओ, स्मार्ट हैबिट कैसे सीख सकता है बच्चा? Good sleep is very important for our health. After working all day, our body gets tired and sleep gives us energy again. टाइम पर नहीं सो रहे तो उनको सुना दो, सोलो करने लग जाएगा ना। अगर इसको बच्चों को सुना देंगे तो हैबिट्स को फॉलो करना शुरू करेंगे। और क्या हैबिट, और क्या हैबिट थी स्लीपिंग का अलावा? क्या हैबिट है स्लीपिंग के अलावा? मांगो जी एक्सरसाइज का दिया हुआ है। हाँ एक्सरसाइज का ठीक है, खेलने का ओके। इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजिंग डेली बर्न्स एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्सरसाइज योगा से ही होगा। नेक्स्ट स्टोरी प्लीज कम डाउन। नेक्स्ट है मांगो जी पेशेंस के बारे में, और बुक तो मांगो जी हो गया, बुक इतने ही है। हाँ हाँ अच्छा, बुक कंप्लीट है। अच्छा पेशेंस भी सिखा रहा है। एबिलिटी टू एंडर डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू मांगो।